चलिए आपको उसी से लाइव लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी इस रैली में शामिल है। आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा रैली निकल रही है। देश को समर्पित, देश की आजादी की लड़ाई को समर्पित, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसके लिए हम अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर सकते हैं, सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे तिरंगे के लिए, हमारी आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, हम उनका मान सम्मान करने के लिए आज तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि कल 15 अगस्त को जब आजादी का हम जश्न मनाएंगे, आजादी का दिवस मनाएंगे, उस समय सारे लोग जितने भी हैं, सारे जयपुरवासी, पूरे देशवासी अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे और आजादी के हमारे जो स्वाधीनता सेनानी रहे उनको सैल्यूट करेंगे, उनको नमन करेंगे और देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बढ़ाने और सौहार्द के लिए हम सब प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं कि हम देश में कभी भी अपने भाईचारे को कम नहीं होने देंगे, देश की आजादी को हमेशा अक्षुण बनाए रखेंगे, देश के तिरंगे के आन बान शान को बनाए रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री आर तिवाड़ी जी भी इस रैली में हमारे साथ शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और सभी स्वाधीनता सेनानियों को, देश की आजादी की लड़ाई के बारे में जाने, कैसे लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, कैसे हमने आजादी हासिल करी, कितने मुश्किलों से आजादी हासिल करी है। ये आजादी भारत जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये बहुत मुश्किलों के बाद हमें मिला है, बहुत कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। उस लड़ाई, उस संघर्ष की को जानें, उसके बारे में पढ़ें और देश की एकता और अखंडता और देश की आजादी को अक्षुण बनाए रखें। ये तो आजादी से पहले कांग्रेस का प्रोग्राम है, देश के नेताओं को चुराने का काम नरेंद्र मोदी का, उनकी तो कोई विरासत है ही नहीं, विरासत ही कांग्रेस की है। आजादी से पहले कांग्रेस का बच्चा बच्चा, कांग्रेस का नेता हर गली में, ढाणी में, गांव में तिरंगा यात्रा निकालते थे। देश में प्रधानमंत्री जी का नया काम नहीं है, ये तिरंगा झंडा देने का श्रेय कांग्रेस को है और आजादी की रक्षा करने का श्रेय कांग्रेस का है। इसलिए तिरंगा झंडा कल शहर कांग्रेस ने भी तिरंगा हमने यात्रा निकाली थी और महेश जोशी जी हर साल 14 तारीख को ऐसा तिरंगा रैली निकालते हैं और मैं शहर का अध्यक्ष हूँ, मेरे को भी आमंत्रित किया गया है और मैं ये कहना चाहता हूँ इस तिरंगा यात्रा से हम एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी, ये देश का प्यारा तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान का है। हमें कल 15 तारीख को हमारी दुकान पर, मकान पर, हमारी कार पर, साइकिल पर, रिक्शे पर, ठेले पर लगाना है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाना है। लेकिन आज देश के अंदर निरंकुश ताकतों का जो सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं, आज हमको उनसे भी लड़ना है और हम समाज को जागृत करने के लिए ये तिरंगा रैली निकालते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, चलो 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 चलो।